अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद हमीद और आप लोग देख रहे हैं अरशद हमीद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी तस्वीर के बैकग्राउंड की कि आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर नहीं है, आपको एडोब फोटोशॉप कोरल ड्रॉ और इस तरीके की ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कुछ इल्म नहीं है, लेकिन आप अपना फिर भी फोटो अच्छा एडिट करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड तब्दील करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप उसको किस तरीके से बासानी अपना फोटो खूबसूरत बना सकते हैं और उसका बैकग्राउंड बगैर किसी सॉफ्टवेयर के चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। तो हमने जाना है सबसे पहले गूगल के ऊपर, रिमूव स्पेस बीजी, जी हाँ रिमूव बैकग्राउंड, या जिस तरह आपको नजर भी आ रहा होगा, हम फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। यहां से हम इसको, ये जो टैब्स नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये आप जैसे देख भी रहे होंगे बैकग्राउंड चेंज और सैंपल बने हुए, इस टैब्स में हम अपलोड इमेज करेंगे जिसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। तो यहां से मैं इसको चूज कर लेता हूँ अपनी वो पिक्चर जिसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। ये मैंने एक अपनी पिक्चर ले ली यहाँ से। पहले मैं आपको उसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ, ये पिक्चर है किस बैकग्राउंड पर, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये देखें, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये थोड़ी इस तरीके की पिक्चर है, पीछे काफ़ी रश लगा हुआ है और इस तरीके की पिक्चर है। तो अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से अपलोड कर लिया, यहां से अपलोड हो रही है पिक्चर, ये अपलोडिंग। और ये आपके सामने रिमूव बैकग्राउंड होने के बाद अब आप इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर आप एडोब फोटोशॉप के प्रोफेशनल एडिटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप यहां से अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। यहां से पिक्चर को डाउनलोड कर लेंगे आप, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपने इसको एडोब पे एडिट भी करके देखना है। एडिट तो मैं करना है, प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जस्ट आपको, जो लोग एडोब फोटोशॉप चलाने वाले हैं वो बाखूबी अंदाजा लगा लेंगे कि जो घंटों का काम था वो सेकंड में हो गया है, बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो गया है। तो अब हम बआसानी इसको चेंज कर सकते हैं। और मैं आगे चल के आपको इसमें इसी लिंक के ऊपर डायरेक्टली बैकग्राउंड चेंज करके भी दिखा दूंगा, जो जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी, जो मेरी वीडियो का टॉपिक भी है। ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको शेयर करनी थी कि इस तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, बैकग्राउंड रिमूव है बिल्कुल, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, आप जो दिल चाहे जिस तरीके का दिल चाहे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये डबल तस्वीर मैंने इसलिए करके दिखा दी, सिंगल तस्वीर करना काफ़ी आसान होता है, डबल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ से मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से अगर आपने डायरेक्टली, अगर आप एडोब चलाना नहीं जानते तो यहाँ से आप किस तरह चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमने सिंपली जाना चेंज बैकग्राउंड, सेलेक्ट इमेज, वही वाला हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जाके। ये मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपको साइड में नज़र भी आ रहे होंगे कुछ टेम्पलेट्स बने हुए, मतलब ये जहाँ ये बार चल रही है, ब्लू बार चल रही है, इसके नीचे बैकग्राउंड भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको लगाना किस तरीके से, ये रिमूव हो गया आपका बैकग्राउंड। अब आपने यहाँ से चूज करना है, मिसाल के तौर पर हमने ये ले लिया, ये देखें ये लगा दिया। अब आप चाहें तो कोई भी यहाँ से और मोर चूज कर सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ से इसको हमने सिंपली क्लोज किया। यहाँ से आप अपनी पिक्चर जाके देख सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है। ये आपकी एक एज अ प्रोफेशनल फोटो एडिटर के तौर पे आपने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया। तो ये था दोस्तों आसान सा तरीका। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।